नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहली बात करते हैं सीएमओ की प्रेस वार्ता की। इंद्रधनुष टीकाकरण योजना की शुरुआत और अभियान की शुरुआत करने से पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से पत्रकारों से वार्ता की गई और पूरे अभियान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। किस तरीके से और कितने चरणों में इस अभियान को चलाया जाएगा, इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई है। आइए आपको भी दिखाते हैं। स्वास्थ्य निदेशालय और शासन के निर्देशन पर मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर 4 अगस्त के दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसी गुप्ता की ओर से पत्रकारों से वार्ता की गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नियमित टीकाकरण भारत सरकार की बड़ी इच्छा वाले आच्छादित कार्यक्रमों के अंतर्गत है, जिसके दौरान जनपद की गर्भवती माताओं एवं बच्चों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण के अंतर्गत सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ बाल मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अभियान है। यह अभियान 4 चरणों में चलाया जाएगा, जिसके पहले चरण की शुरुआत 7 अगस्त से होगी और 12 अगस्त तक जारी रहेगी। दूसरी चरण की शुरुआत 11 सितंबर से 16 सितंबर तक जारी रहेगी। तीसरे चरण की शुरुआत 9 अक्टूबर से होगी और 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति तक टीकाकरण पहुंचाने का लक्ष्य रहेगा। सभी ब्लॉक क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कवरेज में सुधार लाने के लिए सघन टीकाकरण 5.0 की शुरुआत कर दी गई है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। ये जो प्रेस वार्ता की गई है, मिशन इंद्रधनुष के संबंध में की गई है कि जो बच्चे नियमित टीकाकरण से छूट गए हों और गर्भवती माताएं 0 से 5 साल तक के बच्चे तथा गर्भवती माताएं छूटी हुई, उन सबको इसमें कवर किया जाएगा। और ये सामान्य इम्यूनाइजेशन जो बुधवार और शनिवार होता है, उन दिनों को छोड़ करके बाकी 4 दिनों विशेष अभियान चलाकर 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसको किस तरीके से अभियान चला जाएगा और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसके बारे में सारी माइक्रो प्लानिंग कर दी गई है। बच्चों के काउंट कर लिए गए, जितने बच्चे छूटे हुए वो सब लोग का ई कवच पोर्टल उस पर फीड कर लिया गया है और माइक्रो प्लान के हिसाब से घर घर जाकर के उनको लगाएंगे। सत्र पे जहाँ पे सत्र होगा वहाँ पर उनको बुला करके आशा बुला के आएंगी और एनएम उनको टीका लगेंगे। ये अभियान आपका कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा? ये अभियान 3 चरणों में होगा। पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक शुरू होगा चलेगा। दूसरा चरण जो है 11 से 16 सितंबर तथा तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। आजकल बच्चों में देखा जाता है टीका लगवाने को लेकर के महिलाएं थोड़ा झिझकती हैं कि कहीं बुखार ना आ जाए, उनको इसको लेकर के क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? सामान्यतः जो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं, टीके से हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, उससे उनको परेशान नहीं होना चाहिए। उसके लिए उनको पैरासिटामॉल टेबलेट दिया जाता है। हल्का बुखार हो सकता है बच्चे जो केवल 1 या 2 दिन के लिए होता है, उसका तो सामान्य हो जाता है, तो इससे उनको चिंतित नहीं होना चाहिए। भविष्य के लिए उनके बहुत फायदेमंद है चाहिए उनके वैक्सीनेशन।